हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीलिएक डिसीज के बारे में कि जो सीलिएक डिसीज है वो होती क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीलिएक डिसीज होती क्या है पहले हम उसकी बात करते हैं। पेशेंट जो होते हैं, पेशेंट के स्टमक में जो पेन होता है, और जो पेन होता है बहुत सीवियर पेन होता है, जिससे पता चलता है कि जो पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें पेशेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पेशेंट को स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो इसे हम सीलिएक डिसीज बोलते हैं। अब सीलिएक डिसीज जो होती है उसमें क्या सिम्टम्स नजर आते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है, इंटेस्टाइन का जो साइज है नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट के स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा तेज पेन होता है, साथ में पेशेंट का पेट फूलता है, जो पेशेंट का खाना है सही से नहीं पचता है, पेशेंट को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग जैसे लगता है, पेशेंट को कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, साथ में चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है पेशेंट को, जो होता है पेशेंट को तो वो क्या होता है बहुत ज्यादा बदबूदार मोशन पास होता है और लूज मोशन होता रहता है पेशेंट को, पेशेंट का जो पेट है बहुत ज्यादा फूलता है, कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है, और पेशेंट को क्या होता है एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण क्योंकि पेशेंट जब सही से नहीं खाता है तो पेशेंट का जो बैलेंस होता है इनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट खाना सही से नहीं खा पाता है और पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, और साथ में पेशेंट को ज्वाइंट में पेन होने लगता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है, पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है, पेशेंट एकदम वीक फील करने लगता है, एकदम मुरझा जाता है, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। साथ में पेशेंट को कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पेशेंट को पता चल जाए कि पेशेंट को सीलिएक डिसीज है, तो इसके लिए पेशेंट को TTG DGP स्क्रीन टेस्ट करवाना चाहिए। ये एक ब्लड टेस्ट होता है, इसे एक डॉक्टर लिखता है, डॉक्टर के पास जाएंगे और आप अपने सिम्टम्स को बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपके सिम्टम्स को देख के टेस्ट लिखेगा। जब ये टेस्ट लिखेगा TTG DGP स्क्रीन टेस्ट, जब ये लिखेगा इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर इसकी नॉर्मल रेंज से ज्यादा आता है जिससे क्या पता चलता है कि जो पेशेंट को सीलिएक डिसीज है, गेहूं खाने से होती है, जौ खाने से होती है, राई खाने से होती है, एक एक क्या होता है कि पेशेंट को एक टाइप की एलर्जी हो जाती है, जो होता है गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट होता है पेशेंट का जो खाना है सही से नहीं पचता है, खाना खाता है और जब उसका डाइजेशन होता है तो क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो साइज है धीरे धीरे एबनॉर्मल होने लगता है, जो पेशेंट है व्हीट जौ और राई खाना छोड़ भी देता है लेकिन उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है एबनॉर्मल से नॉर्मल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशेंट को मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद मेडिसिन लीजिए, आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। मैं आपको सिर्फ जनरल ट्रीटमेंट ही बता रही हूँ, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब पेशेंट को कोई भी डिसीज होती है तो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को होम्योपैथी में सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बता देती हूँ कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसके लिए आप जो फर्स्ट मेडिसिन ले सकते हैं, नैक्सवोमिका ले सकते हैं, कार्बोबेस ले सकते हैं, कालीफॉस ले सकते हैं, रूटा ले सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंट पेन भी होता है पेशेंट को, और भी आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर जो है वो आपके पूरे सिम्टम्स को कवर करेगा, आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप जो मेडिसिन है मैंने आपको सिर्फ ये जनरल ट्रीटमेंट ही बताई। जो सीलिएक डिसीज होती है एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ये क्या होती है कि जेनेटिक होती है, किसी फैमिली मेंबर में किसी पर्सन को है तो उसकी जो फैमिली मेंबर है उसको भी हो सकता है, जैसे माता पिता को है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है। क्या होता है कि पेशेंट जो है बताता रहता है कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है, मेरा खाना सही से नहीं पचता है, ये सारे सिम्टम्स बताता है, पेशेंट मेडिसिन ले ले कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है लेकिन उसके बाद फिर पेशेंट का पेट फूलने लगता है, इनडाइजेशन होने लगता है, उसके बाद पेशेंट का मोशन बार बार पास होने लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। फिर जब पेशेंट की डिसीज सही से समझ नहीं आएगी तो पेशेंट का ट्रीटमेंट सही से नहीं हो सकता है, तो इसके लिए एक आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही होगा, आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसके बाद आपकी जो डिसीज है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी।
ये जो मैंने मेडिसिन बताई हूँ, तो इस मेडिसिन को आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं फिर से एडवाइस करती हूँ कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।